हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका की टॉपिक को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित समस्त प्रश्नों को और देखेंगे कि जो IAS है, PCSAI या किसी भी स्टेट की जो PSC है, जो एग्ज़ाम कराती है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आखिर देखिए, सोचने की बात यह है कि राष्ट्रपति जो टॉपिक है ये तो एक ही है, ऐसा तो नहीं कि SSC के लिए कुछ अलग से है और IAS के लिए कुछ अलग से है, PCS के लिए कुछ अलग से है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो एक ही टॉपिक से कैसे अलग अलग एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, आज उन प्रश्नों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न अपने आप में स्टैंडर्ड लेवल के हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप इनको देखिए, और जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से अनुच्छेद 1 से लेकर के वीडियो नहीं बनाया अभी, क्योंकि जिस वे में मैंने वीडियो बनाया उसी वे में मैं आपको ये मॉक टेस्ट या जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कराने जा रहे हैं ये आपके सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि एक बात याद रखिएगा, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, और मैंने नॉर्मल लेवल के प्रश्न ही डाल रखे हैं, ठीक है। सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए थोड़े सा आपको टिपिकल जरूर लगेगा, लेकिन यही आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, कौन कौन से इसमें अधिकार हैं या प्राधिकार हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पहला बोला है वास्तविक एवं लोकप्रिय। आपको लगता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में लोकप्रिय है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकप्रिय है, मतलब इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? ऐसे ही गलत हो जाएगा। औपचारिक और विधिक, हाँ, औपचारिक अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को। क्यों औपचारिक अधिकार दिए गए हैं? तमाम कुलपतियों की नियुक्ति करना, सभी राज्यपालों की नियुक्ति करना, सभी जो है राजदूतों की नियुक्ति करना, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये इतना बड़ा बड़ा काम, ये औपचारिक और विधिक अधिकार ही तो है उसका, यानी ऑप्शन 2 क्या है? सही है। राजनीतिक और नाम मात्र, राजनीतिक और नाम मात्र, केवल नाम मात्र तो है लेकिन राजनीतिक अधिकार इसका नहीं है। हाँ, संवैधानिक है। संवैधानिक मतलब जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया वही क्या है? संवैधानिक है। तो ऑप्शन 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी का जो है गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 गलत हो जाएंगे। तो अपने आप में बड़ा अच्छा प्रश्न है, PCS मेंस के 2006 में पूछा गया था इसे। अगला देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है ऐसा कहा गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान के पोर्शन में आकर के राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लें। ज़्यादा नहीं, मैंने गिन के 2-3 पार्ट में इसको कवर कर दिया है, और जिन लोगों ने देखा है मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो किसी भी लेवल का प्रश्न हो आपसे छूटेगा नहीं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे, ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया? तो मैंने आपको याद दिलाया था वहाँ पे एक अनुच्छेद 53 में कहा गया, 53 बना है 5 और 3 से, और 3 बताता है तीनों सेनाओं के बारे में, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं की शक्तियाँ किस में निहित होंगी? मतलब जो मेन कमांडर होगा वो राष्ट्रपति होगा, और संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया अनुच्छेद 53 में, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। देखो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाएगा, देखो कथन कारक जब भी आया करें ना, तो अपना दिमाग बस शांत कर लिया करो, बहुत ध्यान से उसको पढ़ा करो, इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट देगा ना जो आपको गलत करने पर विवश कर देगा। देखो ध्यान से, यहाँ दिया है कि विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होना, अगर कोई भी राष्ट्रपति ऐसा आ जाए जिसका दिमाग तानाशाह टाइप का हो कुछ माइंड, और ऐसी शक्ति उसे मिल जाए तो पूरे देश को बर्बाद कर देगा, मतलब ये क्या है? गलत है। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, ना ही राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी पावर की व्यवस्था की गई है कि वो सबके ऊपर अपना कंट्रोल बना सके, तो ये हो जाएगा गलत, और ए वाला ऑप्शन है सही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सही है, परंतु आर पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है, व्याख्या करने की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन सा अधिकार नहीं देता भाई भारत के राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ये तो मिला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, आप सभी को पता है कि नहीं? मैंने बताया था आपको, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ना 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 ना, यही गलत हो गया। राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का दायित्व किसके पास है? राज्यपाल के पास है,
राज्यपाल के पास है, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं, वो करेंगे ना नियुक्ति। राष्ट्रपति के पास इतना समय है कि 29 राज्यों का जिम्मा लेकर चले सबके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए, उसके पास और भी सारा काम है। तो यहाँ पे जो बी वाला है वो अधिकार नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है बाकी के तीन ऑप्शन। अब देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल, बिना राष्ट्रपति के संसद हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन मिलते हैं तभी संसद बनता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। देखिए अक्सर करके पीसीएस में ना नकारात्मक सेंस के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम परेशान मत हुआ करिए, उसको हाईलाइट कर लिया करिए पहले ही। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, देखिए देखते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। दबाव बना रहा है क्या, करना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट, मान रहा हूँ कि देश की एक बड़ी पावर है, एक बड़ी संस्था है, लेकिन वो परामर्श देती है और उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले ही ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, ये तो उसकी पावर में ही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, राष्ट्रपति ज़बरदस्ती जो है किसी के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन दे रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा अलग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा यहाँ पे कि यार व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो इसका कहना बिल्कुल सही है, मैं बताऊँ क्या है। देखिए ध्यान समझिए जो समझा रहा हूँ मैं आपको। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 53, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। अरे व्यवसाय वर्ड का इस्तेमाल बस खाली बिजनेस में नहीं होता है, व्यवसाय मतलब कार्य पद्धति को चलाने में। सरकार जिस तरीके से काम करेगी, जो सरकार की कार्य पद्धति होगी, वो भी उसका व्यवसाय है। तो उसमें जो है ये मदद करती है कार्यपालिका शक्तियाँ, बिल्कुल करती हैं। लेकिन ये जो आर वाला कथन है ये सही तो है, लेकिन ठीक ढंग से व्याख्या नहीं कर रहा है भाई। सरकार, यहाँ बात करो सरकार की और यहाँ बात करो राष्ट्रपति की, दोनों अलग अलग तथ्य हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है, मेन आती है। तो अब देखिए कई लोग यहाँ कन्फ्यूजन में क्या करते हैं ना, कि देखते हैं कि राज्य, देखो किसी भी, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, किसी भी वजह से मान लीजिए, जैसे राजस्थान है, इस समय जो है पद्मावती मूवी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, करड़ी सेना ने वहाँ काफ़ी विद्रोह मचा रखा है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि राजस्थान सरकार यह निर्णय ले ले कि अब यहाँ पे आपातकाल लगाया जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब राजस्थान में क्या हुआ, आपातकाल लगाया गया और ये विवाद बढ़ता चला गया। तो उसके आपातकाल की जो सीमा है, उसकी अवधि है, उसको कौन बढ़ा सकता है? क्या राजस्थान का जो राज्य विधानमंडल वो बढ़ाएगा, राजस्थान का राज्यपाल बढ़ाएगा, या राष्ट्रपति बढ़ाएगा, या संसद बढ़ाएगा? तो याद रखिए कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कौन बढ़ा सकता है, किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, तो याद रखिए संसद द्वारा। और ये पावर किस में, अगर ये पूछ दिया तो पावर है राष्ट्रपति में, लेकिन बढ़ाएगा कौन, संसद। दोनों शब्द याद रखिए, पावर राष्ट्रपति के पास है, बढ़ाएगा कौन, संसद। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा याद रखिए, इस तरह से कन्फ्यूजन बनते हैं, लेकिन आप मत कन्फ्यूज, संसद बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है, ठीक है। आगे दिखाऊंगा और भी प्रश्न आएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखिए बात कर रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ठीक है, बात कर लो निर्वाचन की। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कुछ याद है आपको? मैंने बताया था संसद भाग लेगा, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, संसद बोले तो लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा भी भाग लेगा। हाँ, राज्यसभा में जो मनोनीत होंगे 12,
वो नहीं लेंगे, लोकसभा के जो दो लोग मनोनीत होते हैं ये नहीं लेंगे, मतलब 12 दो 14 लोग यहाँ पे भाग नहीं लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपसे और भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का विधानसभा भाग लेता है, विधानसभा वर्ड समझिए बात को, विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। और इसको सिंपल सा मैंने आपको टेक्निक बताया था कि क्यों नहीं भाग लेता विधान परिषद, क्योंकि देश के सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, देश के सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। तो विधानसभा जो है कुल 7 राज्यों में जो है विधान परिषद बनाई गई, बाकी में जो है नहीं है। ताज कुंभ, मैंने इसका फार्मूला भी आपको दिया था, ताज कुंभ, ताज कुंभ, ठीक है, ये तो बताया था यहाँ पे। तो अब देखिए ताज कुंभ, ये जो 7 स्टेट हैं टोटल, यहाँ पे विधान परिषद है, बाकी के पास है नहीं। तो जब नहीं है तो वो भाग भी नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। अरे पता चला कि यार MP वहाँ पे वोटिंग नहीं कर रहा है, UP वोटिंग कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कब, यदि वहाँ का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल की उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब उच्च सदन कहने का मतलब क्या है, विधान परिषद का सदस्य हो, तो वो भाग नहीं ले सकता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। बात आ रही समझ में? तो देखिए बहुत टिपिकल नहीं इस चीज़ को समझना, बड़ा आसान है लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। फिर से देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने, और विधान राज्य विधान परिषद, बस विधान परिषद जहाँ देखिए राष्ट्रपति में ना, तुरंत इसको कट कर दीजिए, बाकी जो हो जाएंगे तीनों आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद जो है वो सब जगह है ही नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर ग्रहण करता है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिक है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। जन्म से नागरिक मतलब, अरे मान लीजिए आज़ादी के पहले पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो तो क्या वो राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं है? ऐसा नहीं है, जन्म से नागरिक नहीं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, हाँ 35 वर्ष तो यार एज के बारे में बात की गई है, बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, संसद के सदस्य के लिए नहीं है, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, लोकसभा के सदस्य बनने की, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने की, यही उसका ऑप्शन था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आंसर जो है सही हो जाएगा। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा राष्ट्रपति का तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि देख लीजिए एक बार वीडियो। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे, कौन हैंडल करेगा उस मामले को बताइए, उस मामले को हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय हैंडल करेगा अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसमें से क्या आवश्यक नहीं है, पहली बात आयु 35 वर्ष हो, ये तो परम आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं। एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, ज्ञानी जैल सिंह को अनपढ़ राष्ट्रपति कहा जाता है, 1986 के आसपास में वो थे, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे इसलिए याद है टाइम, क्योंकि इसी के समय में उन्होंने अपना JB वीटो लगा करके डाक संशोधन विधेयक को रोक लिया था, तो इसलिए याद है टाइम मुझे, तो इसी के आसपास थे वो, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, अभी मैंने पीछे बताया आपको, संसद में किसका, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और देश का नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो कोई मायने नहीं रखता, यानी तीनों सही है, और यहाँ पूछा नहीं तो ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, देखो सांसद और विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं, आपने MP सुना है, 2 वर्ड आपने सुना होगा, MP और MLA, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये संसद का सदस्य है, और संसद में किसका, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, और MLA मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब या तो विधान परिषद का या तो विधानसभा का, याद रखिएगा, ये संसद की बात करता है और ये राज्यों का अपना अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ 2 चुनाव होते हैं, एक MP का होता है, एक MLA का होता है, और यहाँ हमारे प्रश्न में उसी MP और MLA के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है एक सांसद, सांसद मतलब एक MP अथवा विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य मतलब MLA, यानी MP और MLA राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अच्छा क्या कंडीशन है इसके लिए, देखते हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व
उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, विधानसभा का सदस्य नहीं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा तथ्य सही हो सकता है। याद रखो यार, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सी कंडीशन है कि निर्वाचित होने के तुरंत तदुपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, उसके पहले नहीं छोड़नी होगी, उसके पहले नहीं। अगर वो निर्वाचित हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके उपरांत वो अपनी सदस्यता छोड़ दे। और कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं वो सांसद चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा नहीं लड़ सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं चुनाव लड़ने से पहले वो अपनी त्यागपत्र दे दे, ठीक है, या अपना निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी त्यागपत्र दे दे, ऐसा नहीं। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो अपनी सदस्यता, अपनी जो पद है उसका, वो उसे छोड़ देगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा सदस्यों के द्वारा ना, लोकसभा के द्वारा ना, याद है ना, किसके द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ना, राज्यसभा लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित। अगर कुल सदस्य बोल देंगे ना, अगर यही बोल देगा कुल सदस्य, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कुल सदस्यों के द्वारा, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे लोग जिनको राज्यपाल नियुक्त करता है ना, कहाँ पर, विधानसभा में, वो भी वोटिंग नहीं देते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति वोट नहीं डालता है जिसको मनोनीत किया गया हो, चाहे राज्यपाल के द्वारा चाहे राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत वाले नहीं देंगे, निर्वाचित जो होंगे केवल वही व्यक्ति वोटिंग करेंगे, निर्वाचित वाले, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना के द्वारा लगाया जाता है, किस वर्ष की जनगणना के द्वारा लगाया जाता है, तो ये था 1971 की जनगणना के स्वरूप ये कहा गया था, ठीक है। 1971 की जनगणना को आधार मानकर ये काम किया जाता है, राष्ट्रपति के वोटों को काउंटिंग जो किया जाता है वो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो वीडियो में इसको मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था। हालांकि आप 1971 को याद रखें, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। दोस्तों देखिए, IAS लेवल के प्रश्न हैं और बहुत कठिन नहीं है, आपको बस खाली यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को घुमाता है बस खाली, परेशान कर रहा है आपको। अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं तोड़ता हूँ। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, करा चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी थी। अच्छा बताओ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति देता है? अरे 1, 2, 3, 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 के तहत ये काम किया जाता है, जो अब परामर्श वाला होता है 143, 143 के तहत होता है, जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श होता है वो 143, और जो राष्ट्रपति देता है वो 123। बताया मैंने वीडियो में आपको, राष्ट्रपति का वीडियो देखिए और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये तो मैंने कई बार बता चुका, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति के संबंध में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल है। वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो संसद मिलता ही है राष्ट्रपति को बना करके, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ना ना ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले। अरे यार, दोनों सदन मतलब लोकसभा में भी भाग लेगा, राज्यसभा में भाग लेगा, नहीं ऐसा नहीं। संयुक्त बैठक को संबोधित जरूर करता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखेगा। और अध्यादेश भी लागू करता है अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार देख करके, जब अगर सदन जो है चल ना रहे हो, सदन में छुट्टी हो, तो उस दौरान वो अध्यादेश भी लागू कर सकता है, लेकिन वो दोनों सदनों में
चर्चा में भाग ले, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही आपका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिए दोनों सदनों के चर्चा में वो भाग नहीं लेता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए चारों ऑप्शन आपको लगेगा, चार में से तीन ऑप्शन तो आपको एकदम अलग ही लगेगा, आप बताइए क्या लगाते हैं आप अपना दिमाग। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, या डायरेक्ट वोटिंग तो होती ही नहीं राष्ट्रपति की, कभी देखा हमने, कभी हमने आपने राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लिया, कभी राष्ट्रपति के लिए आपने वोटिंग किया है, ये तो गलत हो जाएगा। खुला बैलेट पेपर द्वारा, ये बैलेट पेपर भी खाली है। बचता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, तो बताइए। याद रखिए हमेशा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, एक व्यक्ति का एक मत काउंट किया जाता है। ठीक है, पढ़ाया मैंने इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, किसमें बताया गया। अरे यार बाह्य आक्रमण की बात सीधे सीधे अनुच्छेद 352 करता है, अनुच्छेद 352, और राज्यों के अंदर अगर कोई विद्रोह हुआ है तो उसको 356, चार चार बाद है 352, 456, 460, 60 में वित्तीय आपात है जो आज तक लगा नहीं, 56 में राज्यों में लग सकता है, और इसमें केंद्रीय आपातकाल, बस यही तो है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, कितने समय के अंदर ये आवश्यक है, तो याद रखिए एक माह, मात्र एक माह। गलती आप लोग क्या करते हैं ना कि हर जगह आपको 6 माह ज़्यादातर उत्तर मिलते हैं, इसलिए आपको याद तो रहता नहीं है, आप गलती से क्या टिक कर देते हो 6 माह, वो गलत है, और राइट आंसर क्या होगा, एक माह। याद रखिए आपातकाल वाली बात है ना, स्पेशल बात है, तो अब इतना 6-6 महीना लगा दोगे टाइम तो कैसे काम चलेगा। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के सामने रखा जाना आवश्यक है एक माह के अंदर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात की कंडीशन नहीं बनी है। अनुच्छेद 360 में बताया गया वित्तीय आपात को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, सॉरी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है बताइए। भारत के महान न्यायवादी का, कैग का, राज्य का राज्यपाल का, या उपरोक्त सभी का। तो याद रखिए सभी लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे वो राज्य का राज्यपाल हो, चाहे महान न्यायवादी हो, और चाहे वो कैग हो, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, कब से, निर्वाचन की तारीख से, या निर्वाचन की तारीख से क्या मतलब है, निर्वाचन हो रहा हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा क्या होगा, तो ये तो गलत है, फर्जी ऑप्शन है। संसद द्वारा, संसद के अंदर के देंगे, संसद को काम धाम नहीं है कि बैठ के यही सब करना रह गया। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, ये क्या करेगा, अपने पद ग्रहण से, जिस दिन से पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति उसी दिन से 5 वर्ष तक वो बना रहेगा, ठीक है, बताया गया ना आपको। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब कि जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति है तब तक उसके खिलाफ कहीं भी मुकदमा ही नहीं हो सकता। अरे क्या मुकदमा होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, क्या मुकदमा होगा, यानी मुकदमा तो नहीं हो सकता भाई। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ना पूरे हमारे मतलब कि भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको संविधान से ऊपर रखा गया हो, कुछ भी नहीं है। सर्वोपरि कौन है, संविधान है, सर्वोपरि कौन है, संविधान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कितना बड़ा पावर हो अपने आप का, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी कार्य संविधान से ऊपर नहीं है, जो है वो संविधान है। तो कथन सही है परंतु कारण एकदम साफ साफ गलत है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ले अनुच्छेद 72 से घूम घूम बांटते क्षमादान आप करें, क्षमादान ना करे, ये तो सही है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, वो कहीं हटाने जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वो क्यों हटाएगा, राष्ट्रपति क्यों हटाएगा, वो साबित कदाचार के आधार पर हटाए जाएंगे। याद रखिए कभी कभी आता महाभियोग किस पे लगता है, तो कई लोगों ने हमसे पूछा है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, और किसी भी पद पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा जीत हो गई या बहुत ज़्यादा जगह से आप पढ़ लिए हैं तो भाई आप जो इच्छा करो वो करिएगा, स्वतंत्र हैं आप कुछ करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो सच है वो पढ़ा रहा हूँ, या जो UPSC मानती वही मैं आपको बता रहा हूँ। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगता है और किसी के ऊपर नहीं लगता है, बाकी लोगों को साबित कदाचार के आधार पर संसद में जो है संसद के द्वारा पास करके उनको हटाया जाता है, ठीक है, साबित कदाचार के आधार पर।
महाभियोग नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का इसका काम नहीं। हाँ, आपातकाल की घोषणा करेगा, अध्यादेश जारी करेगा काम पड़ने पर। अध्यादेश वही 123 से अध्यादेश जारी करता है भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात की बात कर रहा है, 360 में क्या कहा गया है ध्यान से सुनिएगा। यदि वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ऑप्शन 2 दे रहा है, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन भत्तों में कमी करने के लिए सक्षम है। बस यही काम गड़बड़ बोल दिया दोस्तों, पता है यहाँ पे क्या बोल दिया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। देखो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर वित्तीय आपातकाल लगा, वित्तीय आपातकाल माने होता क्या है, वित्तीय आपातकाल माने धन संबंधी बड़ी कमी हो गई देश में, तो ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है ना कि अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में से कमी कर देती है। भाई प्राइवेट वालों से तो मांगने नहीं, अगर आपसे हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आ गया, सरकार आपसे कहे भाई 100 रुपये हमको दान दे दो, आप देने जाओगे क्या? नहीं दोगे। कितने लोग देंगे? नहीं दोगे भाई, मैं बता रहा हूँ, नहीं दोगे। अगर इतना ही दे सकते हो तो अपने देश के जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए कभी डोनेट करके देखो, 100-200 महीने में, साल में 2 डोनेट करो, कभी नहीं होता। सब कुछ जानते हो, बड़ी देशभक्ति की भावना है, लेकिन नहीं हो सकता डोनेट। जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ पीछे हट जाते हो, होता है, ह्यूमन नेचर है। तो वित्तीय आपात आएगा तो प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं हेल्प करेंगे, बचता कौन? सरकार को अब चाहिए कि खुद ही जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों से कमी करे। तो यार जब सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों से कमी होगी तो यार चाहे वो जज हो, चाहे वो बड़े न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी हो, सबके में से होगी, काहे उनको छोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 1 तो ऐसे भी सही था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बताइएगा, ध्यान से सुनिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी, वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ना इनको चुना जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बोल देता है अध्यक्ष, तो हाँ करता है, क्योंकि अध्यक्ष होता कौन है योजना आयोग का? अब तो योजना आयोग फिलहाल समाप्त हो गया, नीति आयोग आ गया। फिलहाल जब योजना आयोग था तो उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो घुमा के बोल देता ना, यहाँ पे उपाध्यक्ष दिया है तो भी कन्फ्यूज मत होइए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति। संघ राज क्षेत्र के मुख्यमंत्री, हाँ जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति वो करेगा, अगर मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं तो। मतलब 1 और 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई भी विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत किया जाए तो पहले दोनों सदनों से पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना साइन न कर दे, सहमति न दे दे, तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है, तब तक अधिनियम नहीं बनता है। यानी बिल जो होता है साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है, एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? बी, जब तक राष्ट्रपति सहमति दे देगा तब उसके बाद जो है ये काम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर ले रहे हैं भाई। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ब्रिटिश राजा से, अच्छा तुलना कर रहा है। दूसरा दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों एक बात तो तय है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि वहाँ जो ब्रिटिश राजा का पद है वो वंशानुगत है, वो क्या है, वंशानुगत है, एक ही वंश के व्यक्ति राजा बन सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं। अब भाई अगर ऐसा होता तो प्रणब मुखर्जी जी के परिवार का कोई सदस्य क्या बनता? राष्ट्रपति बनता, लेकिन ऐसा है नहीं, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं, मतलब कि ये भिन्न तो है। अब भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, ये कहना नहीं सही है। हाँ, हमने भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ये लिया है कहाँ से? अमेरिका के कानून से लिया है, जिस तरह से वहाँ नियुक्ति होती है उसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंजिंग भी किया गया है, लेकिन जो है उससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, उससे मिलता जुलता नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है, यानी ए सही है और आर गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ये बहुत बार आ चुका प्रश्न, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ये तो सही है कि नहीं भाई? लोकसभा राज्यसभा दोनों लेगा, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों, ना ना दोनों नहीं,
सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये सही है। दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी में भी भाई विधानसभा है तो उसके भी ले लो, यानी 1-3-4, 1-3-4 सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? सिंपल सी बात बोल रहे हैं, बताइए कौन संभालेगा? अरे ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति होगा तो संभालेगा, नहीं होगा तो कौन संभालेगा? तब जाके सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त मजाक कर रहा है बैठ के, अनुच्छेद 53 साफ साफ से कर चुका है और आपको अच्छी तरीके से बात पता भी हो चुकी है, तो फिर बोल रहा है प्रधानमंत्री में नहीं थे, गलत है, राष्ट्रपति में होगा ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके में, कहाँ निहित है, किसमें निहित है बताइए, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हाँ ये तो की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, हाँ ये मंत्रिपरिषद के प्रधान है। यदि आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य का सदन हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जरूरी नहीं कि संसद का सदस्य हो ही, हाँ लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता जो है ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा में का सदस्यता ग्रहण करे सदस्य की या राज्यसभा के सदस्य बनने की सदस्यता ग्रहण करें, लेकिन करनी तो होगी, बिना कि ये काम नहीं चलेगा। तो नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन बाद में करना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किस बात का खतरा है जिस समय आपातकाल की घोषणा करेगा, बताइएगा, देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है बाहरी आक्रमण का, यार जाहिर सी बात है बाहरी आक्रमण का, अगर बाहरी जैसे चीन है या फिर पाकिस्तान है, किसी देश ने हमला कर दिया भारत के ऊपर, तो क्या उस समय भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा? करेगा, अनुच्छेद 352 जिंदाबाद, इसी के तहत क्या करेगा वो जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। दूसरा, आंतरिक अशांति के समय, आंतरिक अशांति ये बड़ा ही टिपिकल वर्ड है, इसको जो है इसके नाम पे दोस्तों संशोधन भी किया गया आगे चल के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और इसको बदला गया है इस बात को। तो आंतरिक अशांति से कोई मतलब नहीं हो, तब से आंतरिक अशांति इस समय चल तो रही है, अभी कुछ दिन पहले जो है बाबा जी के चक्कर में चल रही थी, अभी जो है पद्मावती के चक्कर में आंतरिक अशांति, तो क्या करे राष्ट्रपति दम पे दम क्या करे, आपातकाल लगाता फिर से, यार अगर ऐसा करेगा तो कैसे देश चलेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला दे रहा है सशस्त्र विद्रोह, हाँ अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इसी पद्मावती मूवी का जो विवाद चल रहा है, इसी में तोप चलने लगे, गोलियां चलने लगे, लोग अपने जो है हथियार निकालने बाहर, उस समय जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कब? जब सशस्त्र विद्रोह होगा तब। सांप्रदायिक संघर्ष नहीं, ये सांप्रदायिक संघर्ष वगैरह से कोई मतलब नहीं, दंगा वगैरह होता ना, अब दंगा लग गया तो पता चला कि आपातकाल लगा दें, अरे दंगा लग गया तो 144 धारा लगा करके कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कर्फ्यू घोषणा कर दी जाती है, मामला धीरे धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इन दो कंडीशनों पे होगा, मतलब 1 और 3 जो यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 बताया था मैंने आपको, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? अनुच्छेद 61 के तहत। 356 तो क्या दिया गया है, आपातकाल की बात कर रहे हैं राज्यों के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आहूत बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करेगा, संबोधित भी करेगा, आहूत भी करेगा, सत्रावधान भी करेगा, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा इस बात को। अब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। कैसे याद करोगे? देखो ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और ये बुलाया गया 0, ये घर है, ये क्या है, घर है, यहाँ पे बुलाया गया, और ये कौन है, राष्ट्रपति है, हो गया 108। अरे यार ऐसे मस्ती कर रहा था, कभी कभी हो जाता है मजाक। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? मतलब जैसे कोई भी क्षेत्र है भारत का और उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहा है, तो ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? याद रखिए किसी भी क्षेत्र को या किसी भी जाति को ही अनुसूचित अगर घोषित करना है तो ये सारा काम धाम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? जी हाँ, प्रतिनिधित्व नाम मात्र का व्यक्ति है ना, तो प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन जो है
नेतृत्व तो नहीं करता राष्ट्र का नेतृत्व। अब हमारे यहाँ देख लो ना, रामनाथ कोविंद जी हैं इस समय, तो वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन नेतृत्व तो नहीं करेंगे, नेतृत्व तो पीएम मोदी कर रहे हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन मतलब प्रेसिडेंशियल शासन की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका, वहीं से तो लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा पद भी, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? वहीं से लिया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था बताइए? चौथा क्रम था, 13वें नंबर की थी प्रतिभा पाटिल जी, 13वें नंबर की थी। इसके बाद आए प्रणब मुखर्जी 14वें नंबर के, और इसके बाद आए रामनाथ कोविंद 15वें नंबर के, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद में जो भाषण देंगे राष्ट्रपति जी, उनका अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। आप लोग लगता है कि खुद से बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल उनके अभिभाषण को तैयार करता है, तब जो है वो बोलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, याद रखिएगा। अब यहाँ गलती से लोग स्वयं भी कर सकते हैं, स्वयं राष्ट्रपति मतलब जैसे मोदी जी हैं स्वयं अपना भाषण तैयार करके अपने खुद दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? यार यहाँ बाध्यता की बात कर दिया, देखो पहले बाध्य नहीं होता, पहले तो लौटा देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर फिर वो पास होकर आ गया तब वो बाध्य होता है। इसको ऐसे समझो, खाली एक लाइन में समझोगे तो आपको लगेगा राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा, राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कंडीशन बनाई गई है कि वो जरूरत पड़ने पर उनको भी बाध्य किया जा सके, जैसे पुनर्विचार के लिए लौटाएं और फिर से वो पास हो गया, जरूरी है, जनता चाह रही है, संसद पास कर रहा है, तो फिर अब वो बाध्य हैं और उनको वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। और ये बात कहा गया अनुच्छेद 74 में, ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद है, पूरे मंत्रिपरिषद का गठन ही बताया गया है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? किन दो सदस्यों को लोकसभा में? देखो राज्यसभा में कुल 12 लोगों को करता है, वो तो ठीक है, लोकसभा में 2 लोगों को करता है। इसलिए अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि संसद में कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उत्तर क्या रहेगा? 14। गलती से 12 मत बोल दीजिएगा बहुत तेजी में, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। याद रखिए इन दोनों को जो नियुक्ति करता है ये एंग्लो इंडियन, लेकिन कब? अगर इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब नियुक्ति की जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं करता है। कसम नहीं खाया कि हर साल होगा, हर बार होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर प्रतिनिधित्व नहीं होता, अगर एंग्लो इंडियन चुन के नहीं आ रहे हैं, तब जो है नियुक्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार दिया गया? अध्यादेश जारी करता किससे? 123 से, अनुच्छेद 123 के तहत वो क्या करता है, अध्यादेश को जारी करता है। और ये उसका कौन सा अधिकार है? ये उसका विधायी अधिकार है भाई, ये उसका विधायी अधिकार है। हमारा संविधान इसको यह पावर देता है अनुच्छेद 123 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? पूर्ण, निलंबित, पॉकेट वीटो, हाँ सभी तरह का वीटो है, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, वीडियो में देखिए। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, मतलब अनुच्छेद 108 के तहत दोनों को बुला लिया? कब? जब दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो, बार बार झगड़ा हो जा रहा हो, विवाद की स्थिति हो, कोई विधेयक ना पास हो पा रहा हो जबकि वो जरूरी हो, बुला लेगा, आओ भाई आओ देखते हैं तुम्हारा क्या मैटर है, कर लेगा हल, अपने तरीके से बुलाएगा, संबोधित करेगा, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये बैठ कर अपना सुनेगा, वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला दे रहा है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाना, रद्द हो गया तो ऐसी कंडीशन में बुला सकता है, बुला सकता है, ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, मतलब उसने अस्वीकार कर दिया, तो भी बुला सकता है। एक भाई जब दोनों विवाद होगा तभी तो बुलाएगा, जैसे किसी विधेयक को दोनों ने कैंसिल कर दिया, बताओ आप संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत है? नहीं है, जब दोनों ने कैंसिल कर दिया, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ अगर लोकसभा ने किया है राज्यसभा ने नहीं किया है तो बुला लो, या लोकसभा ने नहीं किया राज्यसभा ने किया तो भी बुला लो, मतलब दोनों में से एंटी हो जब बात तब, या एक सदन द्वारा दूसरे विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना किया जाओ, मतलब अगर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है अगला सदन तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो नहीं करना चाहता, तो तीनों ही कंडीशन में वो ऐसा काम कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इस तरह के प्रश्न बहुत कई बार जो आपके एग्जाम में आए हैं, बताइए कौन ऐसा था जो पुराने समय में गृह मंत्री था, मतलब पिछले बार में गृह मंत्री था? अरे यही ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, अनपढ़ राष्ट्रपति थे, सबसे पहले इन्होंने जीबी वीटो का प्रयोग किया है, ज्ञानी जैल सिंह ये जो है पूर्व में क्या थे, गृह मंत्री थे।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। देखो यहाँ पे बोल दिया अधिक से अधिक भी बोल रहा है, साथ में बोल रहा है कि एक बार में, एक ही बार में कब तक प्रभावित हो सकता है। तो याद रखो 6 सप्ताह। इसीलिए जब हम काउंट करते हैं ना, हम बोलते हैं 6 माह 6 सप्ताह। जब हम काउंट करते हैं समय एक विधेयक के बीच में, तो मतलब दो चीज़ों के बीच में, तो याद रखो 6 माह 6 सप्ताह बोलते हैं। जैसे लोकसभा आज जो है भंग, मतलब ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ इसका सत्र, ठीक है, तो आज से 6 महीना, दो मीटिंग के बीच में अधिकतम समय कितना हो सकता है, 6 माह का, और इसके लिए कितना दिया जाए, 6 सप्ताह। इसलिए हम दोनों को जोड़ के बोलते हैं 6 माह 6 सप्ताह। तो आप देखिए एक बार वीडियो जाके, मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है, अभी तो खाली याद दिला रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है, किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। देखिए पहला है मृत्युदंड, यार करेगा क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत, सैनिक अदालत के द्वारा दिए गए दंड, इसमें भी कर सकता है। देखो नॉर्मल आदमी हो चाहे सैनिक हो, दोनों मामले में कर सकता है। ऐसे विवादों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आते हो, मतलब कहीं भी आया यार भारत का, वो राष्ट्रपति है, जब उसको पावर दिया गया है तो ऐसा नहीं कि पांडिचेरी होगा तो नहीं करेगा, और यूपी होगा तो करेगा, और सेना में होगा तो नहीं करेगा, और नॉर्मल आदमी होगा तो करेगा, ऐसा कुछ नहीं, सबके ऊपर करेगा, जिसके ऊपर उसका दिल आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, कौन सा विशेषाधिकार भैया जो राष्ट्रपति का नहीं है। पहला है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, इसमें से कौन सा अधिकार नहीं है। वित्तीय बिल को वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वित्तीय बिल पे पूरा का पूरा कंट्रोल और पावर पता किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है, और लोकसभा के नेता के पास होता है, स्पेशली जो वो चाहेगा वो करा लेगा, ठीक है, उसमें इनका जो है कुछ नहीं होता। पुनर्विचार तो लौटाना उसमें ऐसा नहीं होता, बाकी साधारण बिल है तो ऐसा कर सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। पहला संवैधानिक मिसंधि की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति और युद्ध बाय आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इसमें बताना है कि आपातकाल कब हो सकता है। याद मैंने आपको पिछले बताया कि 352 वाला किसमें लगता है, इसमें आंतरिक अशांति ये हटा दिया गया, इंदिरा गांधी के बाद जो है इस शब्द को हटा दिया गया। आक्रमण खाली आक्रमण से मतलब नहीं होता है, आक्रमण कैसा, बाय आक्रमण। संवैधानिक मिसंधि की विफलता, इसमें अनुच्छेद 356 काम करता है, इसमें अनुच्छेद 356 करता है, 352 जो होता है वो बाह्य आक्रमण के लिए है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और उसी बीच में चुनाव होना था लोकसभा की, तो लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। याद रखिए आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल, यार आपातकाल समाप्त नहीं होगा तो चुनाव कैसे कराओगे, सिंपल सी बात है ना, सोचो ना यार, ये संविधान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप ही बताओ। करा राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का अवधि क्या करें, लोग एक तरफ मार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हमारे सैनिक मर रहे हैं वहाँ, हम अब सरकार बची खुची, टाइम खत्म हो गया, लैप्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी सरकार चलाए, फटाक से टाइम बढ़ जाएगा, कब तक, जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए, मतलब आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं कि इकट्ठे बोलते कि नहीं 3-4 साल के लिए बढ़ गया फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो एक बार में 1 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, किस अनुच्छेद के तहत वह ऐसा करता है, यह बताना है आपको। याद रखिए अनुच्छेद 160 के तहत यह है, अनुच्छेद 160 के तहत जो है राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उनको उपबंध करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से कुल लगभग आपके सामने ना 3 वीडियो आएंगे राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति और महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, इन सभी को मिलाकर कुल 3 वीडियो आएंगे, और प्लीज़ सभी MCQ को आप देखते चलिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इतनी डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, और शायद ही आपको किसी चैनल पर इस तरह की चीज़ें मिले, तो ये तारीफ वाली बात नहीं है, मैं खाली आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब सब कुछ मिल रहा है आपको तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से सिलेक्शन ले लो मेरे भाई। 2018 आ चुका है और हम लोग इतना मेहनत से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, कंटेंट को आपको दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो सोचो फिर आपके लिए क्या किया जाए आप ही बताओ। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे सभी भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुँच पाए।
दूसरी बात दोस्तों कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐड को पूरा देखा करिए। देखो तो इतना मेहनत करने के बाद सर आपसे एक ही बात करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि दो चार बार आप वीडियो के ऐड को देख लिया करिए, स्किप मत किया करिए। शुरू में ऐड आता है ना, प्रचार आता है ना, उसको स्किप मत किया करिए, बस इतना सा निवेदन है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जो चाहिए आप सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ मैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में मैसेज करिएगा और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मैसेज रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ता नहीं मैसेज, सभी का मैसेज मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा सा टाइम नहीं है इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्दी से मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूँ ताकि सभी के मैसेज का रिप्लाई मैं दे सकूँ। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम पे हमें नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे आप स्टडी 91 को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम एक प्रकार का एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, और वहाँ आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर तो आएगा आएगा ना। मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बोला था, इधर भी मैंने ही बोला था, स्टडी 91 सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग नंबर लिख लें और उसके तहत मुझे मैसेज एक डाल के छोड़ देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। 7007734525, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। हाँ देखिए कॉल मत करिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इसलिए मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा, मैसेज डाल के छोड़ देंगे तो मैं जब भी टाइम मिलेगा आपसे बात कर लूँगा अगर ज़रूरत होगी तो, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आपको डेली करंट अफेयर्स या जो भी जरूरी PDF वगैरह वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।